ओटीपी, इसका नाम हमने ओटीपी रखा। ये देखिए, ओनली गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, घूम रही हूँ। आपने कहाँ? आपने अरे बदबू आ रही थी, हंस तो रही थी। देखिए फ्रेंड, आज आ गए हम लोग कहाँ पे? शीशे पे। बहुत गर्मी है यार, पसीना बहुत आ रहा आज तो, है ना? क्यों? कौन? तो आज बहुत दिनों के बाद सुकून मिला है, आ गई है बारिश। ये कितना प्यारा मौसम है, मस्त लग रहा है। इतना अच्छा मौसम बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा मौसम। अभिजीत मेरा वीडियो बना लेना भीगते हुए। बहुत बिजली धड़क रही है हमारे यहाँ पर। यहाँ ये देखो, ये यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर डरी है, पानी का काफी पानी आ रहा है। वो देखो बेचारा, ये देखिए मैडम जी बैठी हैं बड़ी आराम से, हाय बाहर बैठ गई आराम से। हमने गार्डन लगाया ना, उसमें बैठी हुई है, पानी का मजे ले रही है मस्त। बरसात भी हो रही है, देखिए हवा अच्छी चल रही है, आज आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बाहर बैठ गई आराम से। ये बस चाय मैं पी ली, अब खाना बनाएंगी थोड़ी देर में। फुर्सत जब से यहाँ आइए, जब से यहाँ आइए, जब से यहाँ पे आइए नए घर में, जब से तो मज बल्ले बल्ले है बस। मस्त स्टाइल में छोटी, दिन भर वीडियो बनाना, दिन भर खाना और सोना बस। बाहर से ऑर्डर करना खाना, खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, आ गया भैया खा लिया बस। तो फुर्सत बैठी है आराम से, तबीयत खराब का तो बहाना है। अच्छी उंगली आ गई, नहीं पोटी करने गया है। ये देखिए, आज बेटे ने पूरी लाइट जला के रखी है। ये है हमारे रूम का व्यू है। झूठ मत बोल, मेरी कसम खाई झूठ ना झूठी, ऐसा करेगा? झूठ बोल ही रहा। अरे झूठे पल्ले कौआ काटे। तो फ्रेंड देखिए, मैं नीचे काट के आई हूँ धनिया मिर्ची और प्याज। आज बनाना है भजिए, हस्बैंड को भजिए खाना है। और ये बेटे के रूम में बहुत गर्मी लग रही है, और मैंने हेयर स्टाइल ये करी है देखिए। अभी सोचती हूँ जितनी जिंदगी है उसको अच्छे से काट लो, क्योंकि देखिए पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का, जो भी पल है अच्छे से जी लो। तो आज बारिश हो रही है, बट ये इसके रूम में गर्मी बहुत है। तो चलिए मैं आपको लैंप बताती हूँ। ये बेटे ने लैंप मंगाया है, सही से नहीं आता उससे, दो तीन। ये देखिए एक लाइट चेंज करेगा, ये एक वाला ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक ये है, पर वो दिख नहीं रहा, फ्लैश हो रहा है ना लाइट इसलिए। और ये सबसे बेस्ट मुझे ऊपर वाली लगती है। तो ऊपर वाला घर हमारा खाली, ऊपर किराए से देना है, हम लोग रहते नहीं है, फालतू पैसा जा रहा ऊपर का। यदि रेंट पे चला जाएगा तो काफी हमको मतलब वो हो जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा। और इतना बड़ा यूज नहीं हो पा रहा, दिन भर थक जाती हूँ, मेरा 1.5 किलो वेट कम हो गया है। सोचिए 1.5 किलो, लोग मेहनत करते तो भी नहीं होता, मेरा बिगर उसके हो गया इतना सारा काम करके। सुबह तो ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और बेटी थोड़ा गई है बाहर घूमने के लिए, हस्बैंड को देखो कैसे बैठे हैं। कोई दिक्कत आ गई, आ गई,
भीग के आएगी। हाँ भीग के तो आएगी, देख लेना। ये इनको भजिए खाना रहते हैं हस्बैंड को, बट मिर्ची लेने नहीं जा रहे थे, अभी भीग के गए भजिए खाने के लिए, तो मिर्ची भी लेकर आए। मार्केट लगता है भर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है कि मिर्ची लेना है कि नहीं लेना है। और देखिए मैच चल रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ कीड़े बहुत आते हैं, मैं जल लग गई थी। और ये देखिए मैंने भजिए के लिए बैटर तैयार कर लिया है, अब बेटा भी आ गया है तो बनाऊंगी। ये मैंने मुरार जो बोलते हैं ना कमल ककड़ी, तो उसको उबाला था, नमक डाल दिया, तो देखिए रेड रेड हो गए। ये देखिए बिगर उसके नहीं होता है। यहाँ पर इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है, जो हमारी चिमनी है काफी आवाज करती है, इसलिए क्या है कि मैंने इसमें नमक नहीं डाल कर रखा था। नमक अब डाल रही हूँ, ये पानी छोड़ देता है, इसलिए जब हम तुरंत बनाते हैं तो तुरंत ही नमक डालना चाहिए, पहले से नहीं डालते। तो हस्बैंड का मन था कि आज पकोड़े बनाए जाए, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। वैसे भी रोटी सब्जी सब बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता, पकोड़े बन जाते तो फिर कोई रोटी नहीं खाता है, उसी में पेट भर जाता। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ खाने की बहुत कम खपत होती है। यदि दाल चावल बना ली तो हमारे यहाँ कोई रोटी नहीं खाता है, पकौड़े बना ले तो कोई रोटी नहीं खाता, ऐसा हमारे यहाँ है, और उसी में पेट भर जाता है। लोग रोटी नहीं खाते, फिर कोई भी नहीं खाता है। तो भाई देखिए हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहे पकोड़े। कीड़े बहुत आते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा ही कीड़े हैं। उस वाले घर में नहीं थे हमारे, बहुत डर भी लगता, नीचे सोते थे ना, अंदर ऐसे कर रहे थे, भुर 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 करते हैं। आधे बाल बचे मेरे, आधे बाल बचे इधर पे, पता अभिजीत, आधे बाल बचे हैं। हाँ सही में, पापा के बाल नहीं गिर रहे ना अभी? पापा के भी गिर रहे हैं। पापा किससे बोल रहे हैं, नहीं गिर रहे, कम कैसे दिख रहे है। पर एक चीज है यार, अब तुम बुड्ढे लगने लगे, पापा बुड्ढे लगने लगे, आप सही बोलना। पापा की एज तो कम है पर बुड्ढे क्यों दिख रहे हैं पापा? झूठ बोलते इसलिए काले वाले करोगे जवान बन जाओगे। अच्छा हम लोगों की ज्यादा एज नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब दिखते हैं लोगों को, बच्चे बड़े हो गए इसलिए सब लोग सोचते हैं हम लोग काफी एज के हैं। अभी हमारी उतनी एज नहीं है, जल्दी शादी हो जाती, बच्चे जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो लिखने लगते हैं। चलो बना लूं भजिए। चलिए फ्रेंड बने रहिए, इन लोगों ने लाइट बंद कर दी।